हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको राम मंदिर से रिलेटेड बहुत ही रोचक और अमेजिंग तथ्य के बारे में बताने वाला हूं, जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे और न ही आप उनके बारे में जानते होंगे। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। राम जन्मभूमि भारत के एक प्राचीन शहर अयोध्या में स्थित राम भूमि है, जो हिंदुओं के लिए सात सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक है। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सरयू नदी के तट पर स्थित है, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है। राम जन्मभूमि का अर्थ है वह स्थान जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जो हिंदू देवता विष्णु के सातवें अवतार है। इस बात का जिक्र रामायण में भी हुआ है कि राम की जन्मभूमि का स्थान अयोध्या शहर के सरयू नदी के तट पर है। हिंदू धर्म लोगों का यह मानना है कि राम की जन्मभूमि का स्थान वही है जहाँ पर बाबरी मस्जिद को उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या में बनाया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार मुगलों ने एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया था जो भगवान श्री राम का था, और इसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। बहुत से लोगों ने इस बात का विरोध भी किया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि होने के दावे सिर्फ 18वीं शताब्दी में ही सामने आए हैं। बाबरी मस्जिद के इतिहास और राम जन्मभूमि को लेकर राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक बहस शुरू हो गई, और कहा गया कि मस्जिद का निर्माण करने के लिए मंदिर को नष्ट कर दिया गया है, जिसे अयोध्या विवाद के नाम से जाना जाता है। और यह भी कहा गया कि मस्जिद वाली जगह पर राम जन्मभूमि या राम मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है। बता दें कि 2003 में पुरातात्विक खुदाई में मस्जिद के मलबे के नीचे एक मंदिर की उपस्थिति का संकेत मिला है, जिसके बाद ये माना जाता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण मंदिर के ऊपर ही किया गया था और वो मंदिर श्री राम का था। आपको बता दें कि 1853 में निर्मोही अखाड़े से संबंधित सशस्त्र हिंदू तपस्वियों के एक समूह ने बाबरी मस्जिद स्थल पर कब्जा कर लिया और इस जगह का स्वामित्व होने का दावा किया। इसके बाद नागरिक प्रशासन 1855 में मस्जिद परिसर को दो भागों में विभाजित किया गया, जिनमें से एक हिंदुओं के लिए और दूसरा मुसलमानों के लिए। 1883 में हिंदुओं ने मंच पर एक मंदिर बनाने का प्रयास शुरू किया। जब प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी तो इस मामले को कोर्ट में ले गए। 1885 में हिंदू न्यायाधीश पंडित हरि किशन ने मुकदमा खारिज कर दिया। इसके बाद उच्च न्यायालय ने 1886 में मुकदमे के पक्ष में मुकदमा खारिज कर दिया। दिसंबर 1949 में हिंदू धर्म के लोगों को मस्जिद में राम और सीता की मूर्ति मिली, जिसके बारे में कहा गया कि चमत्कारिक रूप से प्रकट हुई है, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोगों ने दावा किया कि वे मूर्ति कुछ हिंदुओं द्वारा रखी गई थी। जैसे ही राम और सीता की मूर्ति मंदिर में मिली तो हजारों हिंदू भक्तों ने वहां पर जाना शुरू किया। इसके बाद सरकार ने मस्जिद को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया और उसके द्वार बंद कर दिए। इसके बाद हिंदुओं द्वारा कई मुकदमे किए गए, जिनमें से कई मुकदमों ने स्थल को पूजा स्थल में बदलने की अनुमति मांगी थी। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद VHP और अन्य हिंदू राष्ट्रवादी समूह और राजनीतिक दलों ने स्थल पर राम जन्मभूमि मंदिर बनाने का अभियान चलाया। राजीव गांधी सरकार ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए इस जगह का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। 6 दिसंबर 1922 को हिंदू राष्ट्रवादियों ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद कई सांप्रदायिक दंगे हुए जिनमें 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। और दोस्तों, आपको पता है जब इस जगह की खुदाई की तो ASI की रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद के नीचे 10वीं शताब्दी के मंदिर की उपस्थिति का संकेत मिला। मुस्लिम समूह और उनका समर्थन करने वाले इतिहासकारों ने इस रिपोर्ट का विरोध किया और इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ASI की इस रिपोर्ट को बरकरार रखा।